एक ही मांग है, परीक्षा को रद्द करो। हमारा कहना है कि अगर यही हर किसी के साथ हो रहा है तो हम फिर संगठित होकर एकजुट होकर और मुट्ठी को बांध के मैदान में क्यों नहीं उतरे, ये बताइए। चेयरमैन को जेल क्यों नहीं भेजा गया? हर बार ये होता है कि छोटे छोटे मछलियों को पकड़ लिया जाता है, छोटे छोटे अधिकारियों को पकड़ लिया जाता है और ये लोग बड़े अधिकारियों को छोड़ देते हैं। और यही अधिकारी आगे जरूरत करते हैं फिर से पेपर लीक करने के लिए। अगर आप लोग इसको ब्रॉड लेवल पे कीजिएगा तो मुख्यमंत्री को और तेजस्वी यादव को झुकना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग जानते हैं कि पेपर कहाँ से लीक हुआ है। ये लोग तुरंत कार्रवाई कर सकते हैं। आपको बोलना पड़ेगा कि आप क्या चाहते हैं सरकार से। सुन लीजिए, पर हम आप सबको मौका देंगे, जिनको भी बोलना होगा, जिनको भी बोलना होगा 2 से 3 मिनट अपनी बातों को शालीनतापूर्वक रखना है। किसी भी तरह से हिंसा का प्रयोग नहीं करना है, हिंसक शब्दों का प्रयोग नहीं, कोई गाली गलौज नहीं, शांतिपूर्वक जो आपका डिमांड हो, जो आप चाहते हैं सरकार से, आयोग से, उसको आप रखिए। मीडिया के बंधु यहाँ है, वो दिखाएंगे, ठीक है। आपको बोलने का मौका हम देंगे, आप ही बोलिएगा, हमको नहीं बोलना है। बस हम बता देते हैं कि ये बैठक क्यों बुलाई गई है। इससे पहले सरसवी का आंदोलन हुआ, बीपीएससी पेपर लीक उसमें भी हुआ था ना, आपको पता है। सतवी का पेपर लीक हुआ, इसकी भी जांच हुई, शुरुआत में अच्छा हुआ, लेकिन बाद में क्या हुआ, जब बड़े बड़े लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए थी तो जांच बंद हो गया। अब जांच क्यों बंद हुआ नहीं हुआ ये मुझे नहीं पता, सरकार ने बंद कराया होगा तभी बंद हुआ होगा, क्योंकि जब बीपीएससी ऑफिस के अंदर जाँच पहुंची तो उसके बाद कोई आगे कोई सूचना हम लोग को नहीं मिल रही है। और आर्थिक अपराध निकाय की जाँच में ये खुलासा हुआ था, बीपीएससी ऑफिस ने ये काम किया होगा या मदद किया होगा, तो आज तक कोई कार्रवाई उन लोगों पर क्यों नहीं हुई। और आप लोग जो उधर बैठे सामने आइए ना, क्यों उधर ऐसे बैठे हुए हैं, सुनिए ना, उधर जो स्टूडेंट है प्लीज, जो भी स्टूडेंट से इधर आइए। आप मीडिया बंधुओं से आग्रह कर रहे हैं कि अभी स्टूडेंट्स का बैच आप नहीं लीजिए, अभी पहले मीटिंग होने दीजिए, आपको अपना जो स्वतंत्र रूप से चलाना है उसको चलाइए, लेकिन अभी स्टूडेंट से बाइक प्लीज मत लीजिए। स्टूडेंट से बाइक आप 3 बजे के बाद लीजिएगा, पहले हम लोग डिसाइड कर ले कि क्या करना है। बाकी आपको होगा कि जो बीएसएससी का पेपर लीक हुआ है उसके पक्ष में हम लोग आज मीटिंग रखे हैं, ताकि हम लोगों ने सरकार से मांग कर रहे हैं ताकि वो बीएसएससी सीजीएल का परीक्षा जो हुआ है उसको रद्द करे। अरे एक माँ बाप का भी एक सपना होता है कि हमारा बेटा एक अधिकारी बने, और सपने पर क्या करता, आयोग और सरकार मिलकर उस सपने को क्या कर देता है कि आधा अधूरा किया खत्म पूरा कर देता है। आखिर जहाँ से पेपर वायरल हुआ सब जगह वायरल मांगा गया है, ताकि आप सभी लोग अपना अपना बात रखेंगे। इसके बाद क्या होगा, जो सभी लोग राय दीजिएगा उसी पर हम लोग चलेंगे, ताकि आगे ऐसा ना हो। एक ही मांग है, परीक्षा को रद्द करो। एक ही मांग है, परीक्षा को और इससे पहले जिस दिन पेपर लीक हुआ उसी दिन से हम लोग मीडिया में आके यान तरीके से बात रख रहे हैं। हम दिलीप जी को यही कहना चाहेंगे कि छात्रों को संबोधित कर रहे हैं, तस्वीरों में आप देख रहे होंगे ना, और सबसे पहले तो आप करता है इसको पूंजीपति का बाल बच्चा जो पैसों से खरीद कर पेपर लीक करवा के ले जाता है, शायद हम इसकी लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे और हम कमजोर पड़ जाएंगे। हम स्पष्ट यही कहेंगे कि हम पूरी मजबूती के साथ पूरे बिहार के छात्र नौजवान, देखिए होता क्या है कि आज बिहार एसएससी का पेपर यूपीएससी वाला एक तरफ बैठ जाएगा। हमारा कहना है कि अगर यही हर किसी के साथ हो रहा है तो हम फिर संगठित होकर एकजुट होकर और मुट्ठी को बांध के मैदान में क्यों नहीं उतरे, ये बताइए। क्या दिक्कत है इस मामलों को एकजुट होने में, ये बताइए। आज अगर बिहार
आप लोग भी तो बीपीएससी की पढ़ाई करते होंगे, आप लोग भी सरसठवीं बीपीएससी दिए होंगे। आज है तो सभी दलों के लोगों को इंडिपेंडेंट निमंत्रण भेजिए, डरिए मत, आप लोग नॉन पॉलिटिकल लोग हैं, ये सही बात है। लेकिन जो पॉलिटिकल लोग हैं इंडिपेंडेंट आपके साथ खड़ा होंगे तो आपका मूवमेंट और मजबूत होगा, इस बात को याद रखिए। हम लोग जानते हैं कि आंदोलन को क्या रूप देना है, हम लोग किसी बैनर तले नहीं आएंगे, लेकिन छात्र का तो एक बैनर है, हम लोग का तो एक बैनर है। छात्रों की कौम सबसे बड़ी कौम है आंदोलन के मामले में, इससे बड़ा कोई कौम नहीं खड़ा याद रखिएगा। हम लोग पूरी मजबूती से आपके साथ खड़ा है, जेल जाना पड़े, गोली खाना पड़े, मनीष यादव आज पहली बार कोई आंदोलन नहीं कर रहा है, हम दो दो तीन तीन बार जेल जा चुके हैं, बीपीएससी का मामला या कोई मामला हो, तो हम लोग लगातार आपके साथ लड़ेंगे। और ये जो तानाशाही सरकार है जो कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन से पहले मार्केट में बोली चलने लगता है, 4 लाख में ये पेपर मिलेगा खरीदोगे, 4 लाख में ये पेपर मिलेगा खरीदोगे, अरे भाई जो गरीब किसान रिक्शा ठेला मजदूर का बाल बच्चा पटना में रहकर ये पटना कॉलेज के फील्ड में दिन रात मेहनत करता है, उसकी बोली ये सरकार और ये मंत्री और उसके अधिकारी लगाते हैं। चेयरमैन को जेल क्यों नहीं भेजा गया? हर बार ये होता है कि छोटे छोटे मछलियों को पकड़ लिया जाता है, छोटे छोटे अधिकारियों को पकड़ लिया जाता है और ये लोग बड़े अधिकारियों को छोड़ देते हैं और यही अधिकारी आगे जरूरत करते हैं फिर से पेपर लीक करने के लिए। हम लोगों को लड़नी है, होना चाहते हैं, अगर आप लोग इसको ब्रॉड लेवल पे कीजिएगा तो मुख्यमंत्री को और तेजस्वी यादव को झुकना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग जानते हैं कि पेपर कहां से लीक हुआ है, ये लोग तुरंत कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन इन लोगों का भी उस सीट शामिल है जिस सीट पे पेपर लीक हुआ है। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।